हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि भाई सक्सेस कैसे मिलाना। सक्सेस के अनेक फॉर्मूला है। कोई लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो सक्सेस मिलेगा, कोई लोग बोलते नहीं हार्ड वर्क करो उसे सक्सेस मिलेगा, कोई लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलता नहीं है, यदि हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलता है तो रिक्शे वाले को सक्सेस जरूर मिलता था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हार्डवर्क की बात कर रहा हूं कि हार्डवर्क मतलब एक्चुअली वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर वर्क, कोई भी एक काम के ऊपर बहुत सारा मैसिव एक्शन लो, उसको मैं हार्डवर्क बोलता हूं। मैसिव एक्शन, बहुत ज्यादा काम, कठोर काम। और यदि आप मैसिव एक्शन लेते, बहुत ज्यादा एक्शन लेते, बहुत ज्यादा कृति करते उसके ऊपर और काफी घंटों तक काम करते रहते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो 16-16 18-18 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो फिजिकल वर्क करते, शारीरिक श्रम नहीं करते, वो मानसिक मानसिक तौर पे काम करते हैं। और वो भी उनको जो अच्छा लगता है उसमें वो काम करते हैं, जिसमें उनकी पैशन है वो उसमें काम करते हैं और काफी सारे घंटे भी काम करते हैं। मैं एकदम बोलता हूं कि बड़ा आपको बनने का है तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, वो आपको भी सुनाता हूं कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां मैंने उसको पूछा कि भाई क्या गरम गरम क्या है, बोले आलू बड़ा जो है एकदम गरम गरम है। बोला चलो तर्री मार के आलू बड़ा एक प्लेट ला लो। तो उसने तर्री मार के मुझे आलू बड़ा दिया। मैंने वो तर्री मार के दिया हुआ आलू बड़ा उससे एक निवाला लिया और खाया, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। मैंने यार बहुत ही टेस्टी है। तो आलू बड़ा वो खुद बोलने लगा मेरे से, बोले आपको क्या लगता है टेस्टी है, मैंने कितने टोले लिए ये आपको पता है। बोले भाई कौन बात कर रहा है रे, बोले मैं आलू बड़ा बात कर रहा हूँ। बोले क्या टोले लिए तूने, बोले मैं आज सुबह आलू बन के बाजार में था तो ये होटल के मालिक ने आलू करके मुझे बाजार से खरीद के लाया, बाद में उसने मुझे पानी में इतना उबाला इतना उबाला इतना उबाला, एकदम नरम कर लिया और बाद में मेरी चमड़ी निकाली। इतनी अंगार हुई, इतनी तकलीफ हुई, मुझे पता है। फिर बाद में हमारे सब भाइयों को उसने चक्कू लेकर टुकड़े 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 किया, इतना खून बहा, इतनी अंगार हुई, इतनी तकलीफ हुई, वो मुझे मालूम है। फिर बोले हमारे ऊपर नमक छिड़का, मसाला छिड़का और कुछ कुछ मसाले के आइटम छिड़के और उसके बाद में हमारे गोले बनाए, गोले बना के उसको बेसन में लपेटा, थोड़ा ठंडा लगा तो लगा चलो मुसीबतें खत्म हो गई, अच्छा लग रहा है। काहे का अच्छा, हमारे ऊपर बेसन लपेटने के बाद में उसने हमको गरम गरम तेल में डाला और इतना उबाला, लाल कर लिया बिल्कुल, इतनी तकलीफ हुई, इतनी अंगार हुई, हमको मालूम है। फिर लाल करने के बाद में हमारे भाइयों को उबलते हुए तेल में से निकाला, थाली में डाला, ठंडी ठंडी हवा आ गई, अच्छा लगा कि चलो अभी अच्छा हो जाएगा, मुसीबतें खत्म हो गई। काय का बोले आप आए, हमारे दो भाइयों को हमारे उठाया और गरम गरम तर्री हमारे ऊपर मारी, इतनी अंगार हुई कि हमको मालूम। तो जब बड़ा बन गया वो, मैंने जब मतलब कि बड़ा लाओ तो बड़ा बन गया, तो बड़ा बनने के लिए बहुत टोले लेना पड़ता है, बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है, बाद में बड़ा बनता है। तो आपको यदि बड़ा बनना है तो काफ़ी सारे मुश्किलें सहन करनी पड़ेगी, काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और शुरू शुरू में तो कुछ उसमें सफलता दिखती ही नहीं। शुरू में तो कुछ दिन तक ऐसा लगता है कि हमको कोई सफलता नहीं आ रही। फिर मैंने पहले कुछ वीडियो में देख बताया हुआ है कि भाई स्टार्ट करने वाले जो है आरंभशूर, वो वहीं गेम को छोड़ देते हैं कि नहीं अभी सफलता मिलती नहीं, चलो छोड़ दो। तो शुरू में कोई सफलता मिलती नहीं तभी भी डटे रहना पड़ता है, तभी भी खेलते रहना पड़ता है। बाद में धीरे 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 सफलता मिलती है और जैसा जैसा हार्डवर्क बढ़ते जाता है वैसे वैसे सफलता और मिलती जाती है। हार्डवर्क मतलब मैसिव एक्शन। एक ऐसा होता है कि जो हम मैं हरदम मेरे भाषण में बोलता हूं कि हार्डवर्क मत करो, इसका मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता वो काम मत करो क्योंकि वो हार्डवर्क हो जाता है। जो आपको अच्छा लगता है उसमें काम करो, जो आपका पैशन है वो काम करो। यदि आप पैशनेटली कोई भी काम कर रहे हैं तो काम भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा
आपको थकान भी नहीं आएगी, काम भी अच्छा होगा, और आपने कितना भी घंटा काम किया, 14, 15, 16, 18 घंटे भी, तभी आपको ऐसा लगेगा कि अपन फ्रेश है। तो उसको बोलते हैं कि जो विषय में आप पैशनेट हो वो काम करो, और उसके साथ साथ काफी सारे घंटे काम करो, आपको थकान भी नहीं आएगी और बहुत बड़े रिजल्ट्स तैयार हो जाएंगे, बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। तो बड़ा बनना है तो बहुत टोले लेना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।